मैं आदरणीय मित्रों आपके साथ साथ डॉक्टर क्षिप्रा जी और जय भाई से भी ये निवेदन करने जा रहा हूँ कि मेरे हिसाब से 19 फरवरी तक जो है हर कैलेंडर वर्ष में चलित में शनि होता है ये कैलेंडर वर्ष है वो तीन का अंक बृहस्पति का हमारे यहाँ 20 फरवरी से चलित में बृहस्पति शुरू हुआ है तो इसका एक महीने का समय रहता है ये जो इसकी अर्धली है यानी पंद्रह दिन वो पंद्रह दिन जो है वो ख़त्म होते हैं सात मार्च पर और उससे पहले के जो है आठ दिन यानी अट्ठाईस फरवरी से सात मार्च के बीच का जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आप ये कह सकते हैं कि एक वार की एक युद्ध की स्थिति जो है ये जो आज सुबह और कल रात जो हवाई हमला हुआ है इसे तो यूँ कह सकते हैं कि ये बहुत हल्का सा नमूना है वो युद्ध का हिस्सा नहीं है जिस युद्ध की मैं बात करने जा रहा हूँ और ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ का जो माहौल का वक्त है जो हमले का वक्त है ये सात मार्च तक का सबसे ज़्यादा भारी है हालांकि ये समय सत्ताईस अप्रैल तक चलेगा और उसके बाद में सत्ताईस अप्रैल से सत्ताईस जून और अगर संक्रमण काल के सात दिन कम कर लें तो बीस जून तक यानी लगभग वो पौने दो दो महीने जो हैं वो ऐसे हैं कि वहाँ पर छुटपोट गतिविधियां तो होती रहेंगी लेकिन बहुत बड़ा वार या बहुत बड़ा युद्ध जो है वो देखने को शायद न मिले हाँ 20 जून या 27 जून के बाद में फिर एक बड़ा दौर शुरू होता है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हिंदुस्तान की तरफ से भी होता है और वहाँ जो पाकिस्तान पर चाहे सीधे युद्ध की लड़ाइयाँ हो या इस तरीके के जैसे ये हमले हुए हैं ऐसे हमले हों और अंदर तक मार की जाए यानी कुल मिलाकर के वो जो वक्त है पाकिस्तान के लिए वार या वारनुमा स्थिति बनती है और एक ख़ास बात और 2020 से लेकर के 2022 तक का जो एक वक्फ़ा है तकरीबन तीन वर्ष का वक्फ़ा जो है इसमें पाकिस्तान अपने आप में एक आज़ाद मुल्क का अपना जो तमगा है वो खो देगा यानी बहुत सरल शब्दों में ये कहें कि 2020 से 2022 के बीच में स्वतंत्र सम प्रभु राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा और उससे पहले का जो मौका है फिलहाल इस वर्ष में अब ये देखने वाली बात है कि अट्ठाईस फरवरी से सात मार्च के बीच की जो मौजूद हालात की बात है वो कैसी रहती है और ये जो एक वक्फ़ा है ये भारी पड़ेगा और तकरीबन अगर हिंदुस्तान का आम जो इलेक्शन है वो शुरू होगी उसकी प्रोसेस तो वो सात मार्च को या उसके तत्काल बाद शुरू होगी जय भाई की तरफ़ आना चाहूँगा जय भाई आपने बात कही है पाकिस्तान के अंदर के सू जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा तो उसने ऐसा कह रखा है और यहाँ पर दो चीज़ें आपसे जिक्र करना चाहूँगा सबसे पहले तो ये कि सिंध वो इलाका है जो पूरी दुनिया में ज़ाहिर तौर पर सबसे पुरानी सभ्यता है सिविलाइजेशन है सिंध का बहुत बड़ा मूवमेंट है वो है जीए सिंध हाँ तो जीए सिंध जो एक मूवमेंट है तो क्या आपको अब लगता है कि हिंदुस्तान को कोई ऐसी हरी झंडी भी दिखानी चाहिए जिससे वो मूवमेंट है वो जोर पकड़े और कहीं न कहीं क्योंकि देखिए वो लोग शुरू से ऐसा कहते हैं उन्नीस से ऐसा कहते आए है, हैं सिंध के लोग कि भाई हमारी तो जन्म नाल हिंदुस्तान के साथ जुड़ी है ये माँ वहाँ और बेटा यहाँ बीच में ये गैप क्यों आ गया है तो अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये, मेरा ये कहना है कि ये विषय सिर्फ सरकारों से संबंधित नहीं है ये सांस्कृतिक विषय है ये जो जड़ें हैं या ये जो जुड़ाव है हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी है कितनी पीढ़ियों से दस हज़ार साल पाँच हज़ार साल ऐसा कहा जाता है तो आज पूरे भारत के लिए ये समय है कि हम पूरा भारत बलूचिस्तान आंदोलन को सपोर्ट करें पूरा भारत जीए सिंध आंदोलन को सपोर्ट करें पूरा भारत पख्तूनवा के आंदोलन को सपोर्ट करे और पूरा भारत गिलगिट और बाल्टिस्तान के और पीओके के जो युवा हैं जो पाकिस्तान के चंगुल से किसी तरीके से बाहर आना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें ये समय है इन खूबसूरत सिविलाइजेशन जो थे हमारे हमारी सभ्यता के जो हिस्से थे उनको बचाने का ये समय है इस पूरी धरती को बचाने का ये समय है आतंकवाद की फैक्ट्री को ख़त्म कर देने का तो हमको सोशल मीडिया पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर जगह पे इन विषयों पे बहुत मजबूती से बात उठानी चाहिए आप बलोच नेताओं के सबके ट्वीट देखें वो कह रहे हैं तो बहुत पहले होना चाहिए था आप देर कर रहे हो और हम आपकी तरफ आशा की उम्मीद की जो है निगाहों से देख रहे हैं भारत ही है जो हमें बचा सकता है तो आपसे मरते हुए सिविलाइजेशन मरती हुई संस्कृतियां सभ्यताएं आपसे सहायता मांग रही हैं एथनिक क्लीनसिंग या इस प्रकार के नरसंगार के उदाहरण जो पाकिस्तान ने किए हैं आपको ऐसे दुनिया में नहीं मिलेंगे उनके खिलाफ बात करने वाली नस्लों को मिटाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं भारत को भी समान समय हो गया काम करते हुए बेहतर साल होने को जा रहे हैं भारत में आप एक उदाहरण स्टेट स्पॉन्सर्ड ऐसा बता दें जहां हमने किसी सभ्यता संस्कृति या पूरे के पूरे विचार या पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसको तबाह करने का प्रयास किया हो लेकिन पाकिस्तान में खुल के ये प्रयास हो रहे हैं वहाँ की मूल भाषाओं को खत्म किया जा रहा है वहाँ के मूल विचार को ख़त्म किया जा रहा है वहाँ की मूल संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है तो ये धरोहर है अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है ये हमारी वैदिक सिविलाइजेशनल धरोहर है हमको इनको बचाने पर काम करना ही चाहिए और ये सिर्फ सरकारों का विषय नहीं है या पार्टियों का विषय नहीं है ये सांस्कृतिक सिविलाइजेशनल सब्जेक्ट है जिसपे हम सभी को काम करना चाहिए और इस पर आप ज्योतिषी होने के नाते काम करें या आप एक पत्रकार होने के नाते काम करें या मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते काम करूं पर हम सबको उन मरते हुए माताओं बहनों और सभ्यता संस्कृतियों को बचाने के लिए दिन रात काम करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है जय जी आपने एक बड़ी ख़ूबसूरत बात कही कि हिंदुस्तान ने कभी भी किसी भी सभ्यता को उस पर आघात नहीं किए ख़त्म करने की कोशिश नहीं की एक ख़ास बात यहाँ देखने में आती है कि अभी तकरीबन साढ़े चार से पाँच साल पहले पाकिस्तान की एक शायरा हिंदुस्तान आई और जब वो राजस्थान भी आई थी यहाँ अजमेर तो उन्होंने ख़ास बात कही राजस्थान की हिंदुस्तान की मीडिया से और उन्होंने कहा कि चलते वक्त ये कहा करते थे खुदा हाफिज़ तो जनाब हमारे पाकिस्तान में हालत तो ये हो गई है कि हम पर इस तरीके से थोपा गया है कि हमारे वहाँ तो खुदा बेघर हो गए वहाँ तो अल्लाह हाफिज हो गया है शुक्र खुदा का कि हिंदुस्तान में तो कम से कम खुदा हफीज़ यानी खुदा को घर बार मिला हुआ है पाकिस्तान में तो खुदा को ही बेघर कर दिया गया और दूसरी खास बात क्या है पाकिस्तान का जो पंजाबी है पाकिस्तान का जो सिंधी है पाकिस्तान का जो बलोच है सब के सब ये कह रहे कि सब उर्दू हमारी भाषा है ही नहीं और उन्नीस के बाद में पहले जब लियाकत अली जो थे जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री उनके यहाँ से ऑर्डर जारी उसके बाद से लेकर के अभी तक बात कर लीजिए जाहिराना तौर पर पिछले डेढ़ दो साल तक यही हो रहा है कि उर्दू थ जा रही है हो यह रहा है कि बड़े बड़े जो मुलाजिम हैं चाहे सियासी लीडर हैं चाहे समाजी लीडर हैं उनकी औलाद जो है वो उर्दू नहीं बोलती वो अंग्रेजी या अपनी लोकल लैंग्वेज बोलती है ऐसे में हम पर थोपा क्यों जा रहा है तो जय भाई यह बात तो सही है कि पाकिस्तान न सिर्फ सभ्यताएं जो वहां की स्थानीय वो खत्म कर रहा है बल्कि अपनी तरफ से थोप भी रहा है जबकि उसमें वो बिल्कुल फेल्योर सिद्ध हो रहा है यहां पर मैं अब कंक्लूड की ओर बढ़ रहा हूं लेकिन एक प्रश्न जेहन में आ रहा है जय भाई के कहे हुए बात से जुड़ा हुआ है और वो ये कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़े सामाजिक समाजवादी चिंतक और राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कही थी गालिबा पचास बरस पहले उन्होंने एक बात कही थी अपनी किताब में कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बांग्लादेश और हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर के एक महासंघ बनेगा और वो महासंघ जो है हिंदुस्तान के झंडे के तले होगा डॉक्टर छिप्रा जी क्या आपको लगता है कि अब भी ऐसी कोई गुंजाइश बाकी है या अब सिर्फ यही बाकी है कि पाकिस्तान नेतनाबूद हो और उसका वजूद ही न रहे आपने बहुत ही रेलिवेंट और मुझे लगता है मेरी कल ही इस मसले पर किसी से बात हो रही थी और अभी का जो माहौल है उस माहौल में मैं देख रही हूँ कि हमारी जो पैरा फोर्सेज हैं उनका बहुत क्लोजली मुझे लग रहा है इस पूरे अभियान में जो आपने बांग्लादेश की बात की बांग्लादेश के साथ मिलके हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही हैं ये एक इंडिकेशन है जिस जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि ये एक इस तरह का कलेब्रेशन जो है एक पीसफुल कलेब्रेशन जिस तरह जय भाई भी इशारा कर रहे हैं क्योंकि अब पीस जो है वो बजवर्ड है पूरी दुनिया में कि पीस के बिना आप किसी का गुजारा नहीं है क्योंकि अगर ग्लोबल आ, आ, दुनिया हो गई है अब कहीं सरहदें उस मायने में रही नहीं हैं अब तो उन सरहदों को मिटाने का तरीका यही है कि हम पीसफुली जो हैं अपने अगल बगल के साथ में और पूरी दुनिया के साथ में लेकिन मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट के नाते हमें बहुत स्ट्रैटेजिक एक्शन करना चाहिए युद्ध के मायने अब ये नहीं होते कि आप सेना भेज दें और वहाँ पर सीधी लड़ाई कर दें युद्ध के मायने होते हैं कि आप इकोनॉमिक सेंक्शन लगाते हैं आप वहाँ की जो एक सोशल uh, फैब्रिक है उस पर आप अटैक करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड और स्ट्रैटेजिक तरीके मुझे लगता है कि युद्ध के अब हो गए हैं और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद जो भारत सरकार इस वक्त है क्योंकि आवाम चाहती है उसके मुताबिक उस सेंटिमेंट के मुताबिक उसको एक्ट करते दिखना विजिबली जो है नज़र तो आनी चाहिए सरकार लेकिन उसके पीछे से जो डिप्लोमेटिक एक्शन इन दिनों नज़र आए और जैसे जय जै भाई ने भी ए, एक इशारा किया कि हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको कंजर्व रखना उनको प्रिजर्व रखना वो भी हमारा जिम्मा है एक बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन होने के नाते और एक उस तरह की सभ्यता और संस्कृति का वाहक होने के नाते दोस्तों जावेद अख्तर साहब ने एक जगह लिखा था कुछ बरस पहले शायद सत्रह अठारह बरस पहले की पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद न इन्हें रोके सरहद इंसानों के लिए बनी है सोचो तो कभी हमने तुमने क्या पाया इंसान होके बड़ी मीठी बात है बड़ी प्यारी बात है और हर दौर में ये बातें बड़ी प्यारी रही हैं लेकिन अब कंक्लूड करने से पहले बहुत थोड़े मैं जय भाई से इस सवाल का जवाब चाहूँगा कि जय भाई क्या अभी भी वक्त इस बात का है कि सफ़ेद कबूतर उड़ाए जाएं या वक्त कुछ और मांग रहा है दो आपको हमारे तार्किक उदाहरण में बताता हूँ अंतिम बार युद्ध से पहले भगवान राम ने भेजा था बात करने के लिए महाबली अंगद को और उन्होंने कहा था आप माँ सीता को लौटा तो सारी बात यहीं खत्म करते हैं आप अपना राजकाज करो और हम अब सह सम्मान वापस लौट जाएंगे पर उन्होंने नहीं माना एक और उदाहरण आपको बताता हूँ भगवान कृष्ण स्वयं दुर्योधन के पास गए और कहा कि पांच गांव ही दे दो बाकी सब तुम रख लो कोई बात नहीं सर्वाइवल के लिए कुछ तो चाहिए भाई पांडवों को भाई हैं आखिर तुम्हारे और तुम्हारा ही परिवार है तुम्हारा ही खून है तो तुम क्यों युद्ध में जाना चाहते हो तो भगवान कृष्ण की जो है उनका बड़ा भारी अपमान किया दुर्योधन ने तो पाँच गाँव की बात अब खत्म हो गई है भाई साहब सवेद कबूतर बहत्तर इकहत्तर साल से बहुत बारह उड़ा चुके और अब तो पूरे देश का भी मानस है परिस्थिति भी है याचना नहीं अब रण होगा और संग्राम महाभीषण होगा अगर इस लाइन पे भी जाना पड़े और करोड़ दो करोड़ लोगों का नुकसान होगा लेकिन ब्रॉडर एक बड़े आ, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी दुनिया में शांति और आतंकी फैक्ट्री बंद हो जाए इसके लिए अगर कोई सेक्रीफाइज होने अब ये चालीस जवान हमारा सेक्रीफाइज तो है क्या हमने सोचा था क्या आपने सोचा था तो ये मजबूरी हो गई है समय की आवश्यकता हो गई है और ये प्रारब्ध है मुझे लगता है इसको आप टाल नहीं सकते शायद ये ऐतिहासिक समय आपको और हमको देखना होगा हमारे परिवार और बच्चों को देखना होगा और इसके लिए जो कीमत प्रारब्ध और प्रकृति और नियति ने तय की हुई है वो दोनों तरफ के लोग चुकाएंगे ऐसा मुझे लगता है और जैसा जय भाई ने रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि दिनकर के शब्दों की बात की वही बात आ पड़ी है और उसका तात्पर्य यही है कि सफेद कबूतरों को अब एक बार पिंजड़ों में डाल दीजिए क्योंकि जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा था तो दो केवल पांच गांव रखो अपनी धरती तमाम लेकिन यह भी नहीं माना गया उन्नीस के बाद इकहत्तर बरसों से ज्यादा का वक्फा हो गया साढ़े इकहत्तर बरसों के वक्फे में पाकिस्तान ने कभी उस बात को कबूल ही नहीं किया तो इसलिए अब हिंदुस्तान की जनता जो है वो यही बिल्कुल फैशनकुल अंदाज में कह रही है तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या की मरण होगा हित तो वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य पहचाना और उसका नतीजा क्या होगा आखिर तू भूषाई होगा पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का ये मैसेज ये संदेश हम कह सकते हैं आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा इसलिए आदरण मित्रों हम आज की इस चर्चा के बाद ये कह सकते हैं एक निर्णायक स्वर में कह सकते हैं एक फैसलन को अंदाज़ में कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिसी है वो रहनी चाहिए और वो ही रहनी चाहिए कि बिल्कुल आखिरी बार का युद्ध किया जाए जिसमें कि पाकिस्तान को उसकी जो नफरतों की जकड़न है वहाँ से आज़ाद कर दिया जाए और पाकिस्तान को आज़ाद करके वहाँ से सही मायनों में बलूचिस्तान सिंध और पंजाब को बाल्टिक और गिलकिस्तान को इसको आज़ाद कर दिया जाए पाकिस्तान का अपना जो वजूद नफरत के ढेर पे बैठा हुआ है इसे बखेर दिया जाए और यही आज के दौर की सबसे बड़ी और सबसे जायज़ बात है आज की इस चर्चा के लिए मेरे साथ जो मौजूद रहे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर क्षिप्रा माथुर और राजनीतिक चिंतक सामाजिक चिंतक जो हैं जय आहूजा जी इनको बहुत बहुत धन्यवाद आपसे फिर मिलेंगे किसी विषय पर किसी और दिन के लिए अभी विदा दीजिए जय हिंद